छत्तीसगढ़ के उस्ताद शोयरा शायर स्वर्गीय हाजी बदरुल कुरैशी बद्र साहब की छठवीं पुण्यतिथि के अवसर पर बद्र साहब के शागिर्दों और पुत्रियों ने मिलकर जश्न बद्र का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की जिम्मेदारी प्रदेश के जाने माने साहित्यकार रौनक जमाल को सौंपी गई थी। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर दुर्ग के समाज सेवी एवं प्रतिष्ठित व्यवसायी कैलाश बरमेचा, बुजुर्ग शायर हाजी रियाज गौहर शर के जश्न रहे। 5 सितंबर छत्तीसगढ़ के उस्ताद शायरा शायर स्वर्गीय हाजी बदरुल कुरैशी बद्र साहब जी की छठवीं पुण्यतिथि के अवसर पर बद्र साहब के शागिर्दों और पुत्रियों ने मिलकर जश्न बद्र का आयोजन भव्यता से किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के जाने माने साहित्यकार रौनक जमाल को सौंपी गई थी। मुख्य अतिथि के तौर पर दुर्ग के समाज सेवी एवं प्रतिष्ठित व्यवसायी कैलाश बरमेचा और बुजुर्ग शायर हाजी रियाज गौहर शरीके जश्न रहे। कार्यक्रम का संचालन शायर नवेद रजा दुर्गवी ने किया। सुचारू रूप से उन्होंने कार्यक्रम को आयोजित किया। जश्न बद्र की कमान संभाले शागिर्दे बद्र आलोक नारंग ने आयोजन में इंद्रधनुष रंग भर दिए थे। हाजी ताहिर निजाम ने जश्न बद्र के हर पहलुओं पर नजर रखी और उनको दी गई जिम्मेदारियों को बखूबी निर्वाह किया। शायरों के नाम एवं कविजनों जिन्होंने अपने कलाम कविताओं से समा बांध दिया था उनके नाम इस तरह के हैं। रौनक जमाल, अंतर्राष्ट्रीय शायर मुमताज भाई, संचालनकर्ता नवेद रजा दुर्गवी, पार्षद हमिद खोकर जी, रियाज गौहर, डॉक्टर बीना सिंह, अंजू त्रिपाठी, शरद कुकास, डॉक्टर नौशाद सिद्दीकी, डॉक्टर संजय दानी, ताहिर निजाम सहित अन्य लोग शामिल यहाँ पर रहे। आयोजित कार्यक्रम काफी भव्यता से किया गया। लेकिन जब भी मैं प्रोग्राम में आता हूँ तो आधे घंटे में मन उधर का हो जाता है और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया और आदर के साथ बुलाया। हालांकि नारायण साहब को मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ और उनको चरण स्पर्श करने में हर काम की पदपर की खबर मुझे, सर ये हो गया, रौनक भाई वो हो गया, हाजी साहब ये आ गया, वो आ गया, आखिर तक की ये कुर्सियाँ दरार लाने में ताकीर होगी, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया।